डेट फॉर्मूला जो होता है सिस्टम में, वो डेट फॉर्मूला आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है, राइट सर? लेकिन ध्यान रखिएगा, सिस्टम डेट अगर चेंज होता है तो आपका यहां भी चेंज हुआ, हर सिस्टम पे उसके डेट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आपको याद होगा मैंने आपको फाइल लॉक वाली इवेंट मैक्रो कराई थी, राइट? अब उसकी वीडियोज मैंने अपलोड की थी, तो उसमें किसी बच्चे ने कंप्लेन किया, कमेंट किया था कि सिस्टम डेट चेंज होने पर भी वर्क करता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि आपका जो सिस्टम डेट है वो कोई इंटरनेट से पैच नहीं करता है, कि वो आपके सिस्टम के घड़ी से पैच करता है। सिस्टम का घड़ी अगर आगे पीछे करते हैं तो ये भी आगे पीछे होगा। और अगर आप सिर्फ डेट लिख देते हैं तो ये आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट देता है। ओके? आपका खुद का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मूला अप्लाई होता है, और इस फॉर्मेट फॉर्मूला में आप जो वैलिडेशन यूज करते हैं यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिए, कस्टम फॉर्मेटिंग में जब कोड यूज करते हैं वो कोड इसमें अप्लाई होता है। ओके? समझे? जी अब मैं इसको एक बार प्ले करता हूं यहां पे, डी डी एम एम एन वाई जो फॉर्मेट दे, राइट? और जी जैसे डेट है उसी तरह से हमारे पास टाइम होता है। अगर आप टाइम डालते हैं तो आपके पास सिस्टम का टाइम आता है, वो भी डिफॉल्ट फॉर्मेट। जी टाइम को भी अपने हिसाब से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देना होगा फॉर्मेट का फॉर्मूला, और इसके अंदर आवर के लिए आवर, मिनट के लिए मिनट, और सेकेंड के लिए सेकेंड का इस्तेमाल करना होगा, और सेमी कॉलन जो होगा, सॉरी कॉलन जो होगा सेपरेटर। जी ओके? पता कि आपका जो इस पे आपको डेट एंड टाइम डाला हुआ है किसी सेल पे, तो वो तो पिक करता ही था।